नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा नोडल अधिकारी ने किया पुराने बस स्टैंड का औचक निरीक्षण। मथुरा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आगरा क्षेत्र के नोडल अधिकारी SL शर्मा ने किया वर्कशॉप व नए बस स्टैंड व पुराना बस स्टैंड का औचक निरीक्षण में साथ में रहे क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन मोहन शर्मा, सेवा प्रबंधक अनुराग यादव, वरिष्ठ लेखाकार संतोष अग्रवाल। पुराने बस स्टैंड पर जो भी कमियां जैसे कि पंखे, टीवी, रोड पर बस लगाकर सवारी बैठना पाई गई, वहां इंचार्ज स्टेशन प्रभारी को आदेश दिया कि आगे से अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी तो स्टेशन प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अनुबंधित मालिक अगर बस स्टैंड पर आते हैं तो उनकी गाड़ियों का अनुबंध समाप्त किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मैं बीच में आकर के बिना बताए आऊंगा और निरीक्षण करूंगा। अगर अनुबंधित बस चालक ने स्टेशन प्रभारी की बिना मर्जी के बस का संचालन किया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और बस स्टेशन के अंदर से सवारी बैठा कर जाएगी। बस स्टैंड के बाहर निकल कर जो गाड़ी रोड पर खड़ी करके सवारी बैठाता पाया जाएगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो बस बरेली मार्ग पर चल रही है वह हाथरस की सवारी नहीं बैठाता है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट।